Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are back to 200 must-know words for our high school children to make them think, learn, moral, characters, language, and multiple reasons. So, our new word is improvise. Look, in life, it never happens that we don't have to do that work, that project, that activity, complete, ready-made things, and we just have to assemble them and go. It never happens. तो हमें अपने सलूशन ढूंढने पड़ते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को उस तरह से जहन में सोच के थिंक करके इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाज़ुकत वो घर में वो चीज़ें पड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं वो कागज़ के टुकड़े, वो कपड़े के टुकड़े, वो कार्टन्स, वो ऑल दीज थिंग्स। आर्ट में जैसे हम करते हैं ना कभी कभी काम, तो देयर इज़ नथिंग जंक एक्चुअली, वो आपको फोम बॉक्सेस और वो टिश्यू पेपर, वो हर चीज़ काम आ जाती है। तो उनको यूज़ करके एक सोल्यूशन बना लेना। समटाइम्स आपको एक काम दे दिया जाता है कि आप इस पे एक्टिंग करो, तो यू हैव टू जस्ट इम्प्रोवाइज दैट, दैट इज इम्प्रोवाइज टू मेक आउट ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम व्हाट इज प्रेजेंटली अवेलेबल। ये बहुत बड़ी खूबी है, और जिसको हम कहते हैं एक्सटेम्पर तकरीर करना है, एक्सटेम्पररी, ठीक है ना, एक्सटेम्पराइज करना, इन्वेंट करना, ठीक है, कंपोज कर लेना, डिवाइज कर लेना, कंट्राइव कर लेना, ये सारे काम में इसमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसके यूज़ इस तरह से हैं, इफ़ देर वर एनी टेक्निकल इश्यूज़, लाना एक्सपेक्टेड द कास्ट टू इम्प्रोवाइज। अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाए तो लाना ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो कास्ट है ना, वो जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं उनको हम कास्ट कहते हैं जी, दे विल इम्प्रोवाइज अ सोल्यूशन। जैसे किसी ने कहा कि दे वर गिवन फ्री रेन टू इम्प्रोवाइज द मटीरियल, उन्हें खुली आज़ादी, खुली छुट्टी दे दी गई कि वो खुद से एक अपना उस काम के लिए मटीरियल, चाहे वो कोई स्टडी प्रोजेक्ट है, इम्प्रोवाइज करें। तो ये आदत होनी चाहिए, वरना कहता है बंदा हर चीज़ के लिए रुक जाता है कि अगर ये मैं बाजार से ले आता, डोंट गो बाजार, थिंक विद इन द क्लास रिसोर्सेज, होम रिसोर्सेज, व्हाट कैन वी डू राइट नाउ यूजिंग दीज वायर्स एंड बिट्स एंड पीसेज एंड पेंसिल्स एंड कलर्स एंड आवर ओन फिंगर्स एंड ऑल दैट। Life is a lot like jazz. It's best when you improvise. Music में भी ऐसे ही होते हैं, ठीक। तो improvise, use what's available, adapt का मतलब है adjust to new condition and overcome, succeed. तो इससे आपको मतलब समझ आता है ना। Independence, depend ना करना, वैसे तो वहां से निकला है वर्ड डिपेंड, तो आपको आता है डिपेंडेबल, हमने कहा था जो बंदा रिलायबल हो, ये इनडिपेंडेंस और पेन पे जोर है, इनडिपेंडेंस, क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग डिपेंडेंट, दूसरों की मोहताजी सीख ना करना एज फार एज पॉसिबल, जैसे इम्प्रोवाइज कर लेना चीज़ों को, अपने आप के पे रिलाई करना, और जहाँ पे आपको ज़रूरत है उस वक्त फिर जाना, उससे पहले अल्लाह ताला से मदद मांगना, ये सारी इनडिपेंडेंस की चीज़ें हैं। जो इसमें आपके वर्ड जैसे नज़र आते हैं जी, ये ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है ना, वो पर्सनल लेवल पे होता है और फिर नेशन लेवल पे भी हो सकता है। सॉवरेंटी चाहिए, फ्रीडम, लिबरेशन, ठीक है ना, ये सारे वर्ड इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। डिपेंडेंट कौमें, गुलाम कौमें और इंडिपेंडेंट कौमें की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये हम पार्ट ऑफ आवर पर्पज ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज दैट हम इंडिपेंडेंट थिंक करने की सलाहियत अपने आप में पैदा करें। हमें इन लफ्ज़ों को और इन कॉन्सेप्ट्स को जितने ज़्यादा हमें आते होंगे, वी हैव मोर व्हीकल्स टू थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़, और आइडियाज़ आर वेरी वेरी पावरफुल आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, वो तो हम आप यूज़ करते ही हम हैं जब आज़ादी, एंड एक मेंटल आज़ादी भी होती है। इंसाइटफुल, इंसाइट होता है एक किस्म का, मतलब किसी चीज़ के अंदर बसीरत, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, एक तो ना बसारत होती है, बाहर से चीज़ को देख लेना कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब सड़क पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि ट्रक जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक है कि आप उसके अंदर जा के देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पे लोग क्या पढ़ते हैं, उनके सिस्टम्स क्या, इंस्टीट्यूशन क्या हैं, व्हाट आर दे सेलिंग एंड व्हाट आर दे अर्निंग, हाउ इज़ देयर लाइफ। तो आप वहाँ पहुँच जाएँ, नहीं तो आप एक आम बंदा कहेगा वो यार बाजार में बड़े ट्रक जा रहे होते हैं, बड़ा रश होता है। तो इनसाइट इज काइंड ऑफ लुकिंग डीपर, इनलाइटनिंग, इंसाइसिव, थॉटफुल, ठीक है ना। तो ये विजडम लेवल की बात है। तो हर चीज़ में इनसाइट्स होती हैं, हमें उसके सरफेस लेवल पे नहीं रहना। एक सरफेस लेवल होता है जिसको कहते हैं सुपरफिशियल, ठीक है ना,
उससे नीचे हमें एक डीपर लेवल पे जाना चाहिए, और उससे भी नीचे एक होता है कि ट्रांसफर लेवल की थिंकिंग, जहाँ पे आप उस लेवल पे चले जाएं कि आप उसको फिर आगे पास ऑन भी कर सकें, एनालॉजी दे सकें, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद पहले खुद अब्जॉर्ब करें और फिर आगे पास ऑन करें. तो इंसाइटफुल, इसका जैसे इन्होंने यूज़ किया, द ओरिजिनल बुक कंटेन सेक्शन प्रोवाइडिंग कलरफुल एनेक्डोट्स एनेक्डोट्स स्टोरीज एंड इंसाइटफुल विजडम. तो ये विजडम के साथ आपको बहुत अच्छा एक एडजेक्टिव मिल गया, ये एडजेक्टिव है इंसाइटफुल. थॉटफुल एंड इंसाइटफुल, द इंट्रोवर्ट कैन समटाइम्स बी अनइंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स. जो लोग कम बातें और कम दूसरों के साथ खेलते हैं ना, उन फितरतन, ठीक है ना, फितरतन हर बंदा एक जैसा सोशल नहीं होना चाहता, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. जो इंट्रोवर्ट होते हैं असल में वो इंटरनली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. ये देखें लिखा, और ये रिसर्च ने, कार्ल जंग इज ए बिग साइकोलॉजिस्ट, आई मीन साइको एनालिसिस में ये फादर है कार्ल जंग. सो उसने कहा जो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट जो ज़्यादा सोशल नहीं होते, इंट्रोवर्ट इंट्रो अंदर ही रहना, ठीक है ना, इंट्रो मैंने अंदर, एक्स मैंने बाहर, एग्जिट जैसे होता है. तो एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा सोशल होते हैं, उनके अपनी पर्सनैलिटी का ट्रेट्स है, और वो उसमें इनमें अच्छाई बुराई की दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और दोनों की अपनी वीकनेसेस हैं. और जो बैलेंस्ड होते हैं, जो कि इनफैक्ट कोई भी बैलेंस नहीं होता, उसको एम्बीवर्ट कहते हैं. एम्बी मीन्स दोनों, इन एंड आउट. सो एवरी क्लोज्ड आई इज नॉट स्लीपिंग एंड एवरी ओपन आई इज नॉट सीइंग, एक इनसाइट है ना, ठीक है ना. तो आप आंखें बंद कर ले के जो गौर कर रहे होते हैं चीज़ों पे, वो रिफ्लेक्शन है. उसको इसको इसके लिए लफ्ज़ रिफ्लेक्शन भी इस्तेमाल होता है, गौर व खौज करना, तदब्बर करना, तफक्कुर करना, ठीक. वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त वो चीज़ हाथ में लेके करना होता है. एक होता है थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो आइंस्टाइन की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, वो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 50 साल बाद और अभी 100 साल बाद हम साबित करते फिर रहे हैं, और अभी कुछ भी नहीं भी साबित हुई. थॉट एक्सपेरिमेंट से उसने किए हैं, सोच के किए हैं, ठीक. तो इंसाइटफुल. इंस्पिरेशन, कल भी शायद बात हुई थी इंस्पिरेशन. बाज़ लोग इसमें इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक होता है मोटिवेशन कि मैं एक चीज़ से मोटिवेट होता हूँ, मेरी कोई तारीफ़ करे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है ना, मुझे पैसे ज़्यादा मिले मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, फाइन. इंस्पिरेशन अंदर से होती है, यानी आप समझे कि सेल्फ मोटिवेट जब बंदा हो जाता है ना, कि उसे दूसरों की शाबाश की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद समझे कि ये तो काम बड़ा ज़बरदस्त है, करने वाला है, पर्पज़फुल है, कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, और मेरे लिए भी अच्छा है, फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो आई हैव टू डू इट डिस्पाइट ऑल ऑड्स. तो वो इंस्पिरेशन है. तो इंस्पिरेशन किसी चीज़ से वो लव की शक्ल में हो जाना. और ये इंस्पायर कहाँ से निकला है, ये देखें ना ज़रा. ए फ्रेंच इंस्पायर फ्रॉम लेटिन इंस्पायर ब्रीद और ब्लो इनटू फ्रॉम द वर्ड हैज़ ओरिजिनली यूज्ड ऑफ डिवाइन और सुपर नेचुरल बींग इन सेंस ऑफ इम्पार्ट अ ट्रूथ और आइडिया. जब मतलब आपके अंदर उस चीज़ का सच जो है ना वो रच जाए, तो फिर आपको इंस्पिरेशन होती है. ओबामा इन सेप्टेम्बर 2009 सेड His biggest inspiration came from Mahatma Gandhi. तो आप जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके कॉल से, उनके कैरेक्टर से, उनकी लाइफ स्टोरी से, उनकी बायोग्राफी से इंस्पिरेशन लेते हैं. यू टेक दैट ट्रूथ एंड यू टेक दैट इनसाइड एनर्जी फ्रॉम दैट, राइट. इसी तरह वाइट लाइट पिंक एंड कॉग्नैक आर द मेन ह्यूज इन द क्राउन विच रिप्रेजेंट इंस्पिरेशन एंड फीलिंग. कॉग्नैक भी एक कलर है, ये जो होता है ना बाज़ोकात बिल्कुल चमड़े की तरह का ब्राउनिश कलर होता है कॉग्नैक. तो बाज़ कलर होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आपको अपना माहौल भी उसी तरह करना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे. ये कॉग्नैक है, सॉरी मैम, ये कॉग्नैक कलर है, ठीक है. ये यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं.